तो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में एक्चुअली मुझे नहीं पता, वो मेनली तीन टाइप के आते हैं, हार्ड डिस्क, एसएसडी और यूएसबी। दोस्तों काफ़ी बार ये होता है कि हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर अपने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डाटा वो लूज़ कर जाते हैं या फिर वो ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों कैसा रहेगा अगर हम ख़राब होने से पहले अगर पता लगा दें या उसके बाद अपन डाटा कॉपी करके उसी का बैकअप ले सकते हैं? दोस्तों क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। दोस्तों ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों मेरा नाम है योगेंद्र, आप आए हो टेकअप पे, चलिए लेट्स गो। आज की इस वीडियो में पांच पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पॉइंट पहला हमारा ये आता है कि हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी को साउंड करने लग जाती है। हालांकि दोस्तों पुराने ज़माने के जो सीडी थे और जो डीवीडी राइटर थे वो जब भी घूमते थे और हम जैसे यूज़ करते थे तो साउंड आती थी, पर आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई एंड हो चुकी है कि नए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क और एसएसडी बिल्कुल साइलेंट रूप से ही बनाए जाते हैं। तो मान अगर आपके दोस्तों अगर हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी अगर साउंड कर रही है तो समझ जाना दोस्तों आपकी हार्ड डिस्क प्रॉब्लम होने वाली है। भले ही वो सही चल रही है या फिर अभी एकदम तगड़ी तरीके से चल रही है, पर दोस्तों वो प्रॉब्लम कर सकती है। दोस्तों हार्ड डिस्क में एक्चुअली मेटलिक जो प्लेटर्स होते हैं वो काफ़ी साउंड करने लग जाते हैं, तो इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा आवाज़ या फिर क्लिकिंग की साउंड या फिर खर्र खर्र ऐसी कोई आवाज़ आने लग जाती है। तो ऐसे आती है दोस्तों आपको या फिर डाटा कॉपी करके रख लो या फिर डायरेक्ट रिप्लेस ही कर दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट अपना ये आता है कि डाटा जो होता है वो गायब होने लग जाता है या फिर करप्ट होने लग जाता है। दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि अपना एक वीडियो होता है एक कंप्यूटर के या फिर हार्ड ड्राइव में या फिर एसएसडी में, तो दोस्तों अपन जैसे देखते हैं वैसे वो सेव बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एक्चुअली जब भी हम कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो काफ़ी सारे ब्लॉक्स या फिर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर बाद में वो एकदम रैंडमाइज तरीके से एकदम फैल जाता है। तो जैसे ही अपन जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सब वो कंप्यूटर सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा ढूंढ के वो उनको शो करता है। पर अगर मान लीजिए अगर आपकी हार्ड डिस्क ख़राब है तो वो ब्लॉक एक या दो गायब हो जाते हैं, तो उसके बाद जैसे ही वो अपना कंप्यूटर उन सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा करता है और वो जब देखता है कि भाई आपने सारे काफ़ी सारे ब्लॉक्स मिसिंग है तो फिर उस फाइल को करप्ट बता देता है। दोस्तों ये ज़्यादातर जब हम लोग ज़्यादातर कॉपी पेस्ट या फिर रीड राइट ज़्यादा करते हैं हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी के साथ या फिर यूएसबी के साथ, तो फिर वो सीज कर देता है अपने कुछ डाटा को। दोस्तों एक और नॉलेजफुल बात ये है कि अपने को ध्यान रखना है कि एसएसडी और हार्ड डिस्क इन दोनों की जो लाइफ स्पैन होती है वो यूएसबी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी यूएसबी अपन यूज करें तो फिर दो या तीन साल में उसको चेंज कर लेना ज़्यादा बेहतर है, या फिर अगर चेंज ना भी करो तो उसके डाटा जरूर कॉपी कर लेना। दोस्तों अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि अपनी जो हार्ड डिस्क है वो काफ़ी स्लो हो जाती है चलते चलते, एकदम अचानक से स्लो हो जाती है, और कॉपी राइट की कॉपी पेस्ट की और रीड राइट की भी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। दोस्तों ये एक्चुअली दो ही कारण होते हैं, दो ही कारण से होते हैं। पहला या तो वायरस के कारण होगा, दूसरा कि भाई हार्ड डिस्क खुद ही प्रॉब्लम कर रही है। तो दोस्तों इसमें यह ध्यान रखें कि ना जीपीयू इसके लिए ज़िम्मेदार होता है, ना आप प्रोसेसर और ना ही रैम इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। दोस्तों अगर आप टाइम टू टाइम अगर आपका कंप्यूटर अगर अपडेट कर रहे हो या फिर अनसर्न सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो फिर वो भी एक कारण हो सकता है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो। दोस्तों अगर यही अगर उल्टी कंडीशन आपके कंप्यूटर में कि भाई आपने सारे अपडेट बंद करके रखे हुए और आपका कंप्यूटर वेल प्रोटेक्टेड है और एंटीवायरस भी इंस्टॉल्ड है, तो उसके बावजूद भी अगर आपका कंप्यूटर दोस्तों आपको स्लो हो रहा है तो फिर वो पूरी आपकी हार्ड डिस्क की दिक्कत है। दोस्तों हार्ड डिस्क में ऐसा होता क्यों है एकदम अचानक से स्लो? दोस्तों हार्ड डिस्क में एक्चुअली बैड सेक्टर आने के कारण ही हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बैड सेक्टर होते क्या है या फिर ये बैड सेक्टर के आने के कारण ही हार्ड डिस्क खराब क्यों होती है। दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो एयर घुसने के कारण या फिर काफ़ी कारण हीटिंग के कारण भी वो इलेक्ट्रिक मोटर आवाज़ करने या फिर वो हिलने लग जाती है, प्लेटर उनके काम करने ढंग से बंद कर देते हैं, इसी को हम बैड सेक्टर कहते हैं, और बैड सेक्टर के आने के कारण ही हार्ड डिस्क काफ़ी स्लो हो जाती है। दोस्तों चौथा कारण ये है कि आपको हार्ड डिस्क आपको बूट मेन्यू में ही धोखा देने लग जाती है। जब भी आप शुरुआत में शटडाउन से अगर आप चालू करते हो कंप्यूटर को तो या फिर वो बायोस अपना खोल देगा, बायोस जाने की ब्लू स्क्रीन खुल जाएगी। सेकंड कारण या आपको एक ऑप्शन दे देगा इंसर्ट बूट डिस्क एंड प्रेस एनी की, ये ऑप्शन देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दोस्तों ये एक्चुअली आपकी हार्ड डिस्क की गड़बड़ है, तो इसे देखते आप हाथों हाथ रिकवरी पर लगा दें या फिर डाटा रिकवर कर लें। दोस्तों इसको डाटा रिकवर आप कोई दूसरे कंप्यूटर में सेकंड हार्ड ड्राइव पर लगा के आप कर सकते हो और उसको स्कैन करके आप उसको अगर फिक्स हो सकती है तो कर लेवे या फिर उसका डाटा बैकअप ही ले लेवे। दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है अपना आता है कि कुछ एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है
जो कि शो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जिसे हम BSOD भी कहते हैं। ये दोस्तों एक्चुअली तीन कारण के कारण आती है, पहले रैम, अगर रैम के कारण भी नहीं तो दूसरा अगर ये फॉर्मेट हॉप करने से ठीक हो जाता है तो ठीक है, लेकिन तीसरे कारण तो पक्की हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है दोस्तों। ऐसे में उसको हार्ड डिस्क को बैकअप कर लेना और अपने चेंज कर लेना ही बेटर होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए ये सारे पाँचों पॉइंट आपके लिए बढ़िया जा रहे हैं और अगर सही है तो भी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर ये नॉर्मल हार्ड डिस्क और SSD के लाइफ में लगभग 4 से 6 साल के बीच में होती है तो इसी बीच में उनका या तो डाटा बैकअप करके रखें या फिर टाइम टू टाइम उसको अगर ज़्यादा डाटा इंपॉर्टेंट है तो फिर उसको चेंज करना ही चेंज करते रहना ही बढ़िया होगा। तो वैसे भी अगर हार्ड डिस्क अगर ख़राब हो जाएगी तो आप रिप्लेस कर सकते हो, पर अगर डाटा ही अगर चला जाएगा तो कहाँ से आएगा। तो फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।